उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस बेहतरीन कोट के साथ मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पास करें में। आज है 21 जनवरी 2022 और इस तारीख से बनने वाली जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करेंगे और उनसे बनने वाले जितने भी हमारे जो फैक्चुअल डाटा है या फिर जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। यानी कुल मिलाकर आपकी 25 से 30 मिनट की क्लास होगी और उसके बदले आपको मैं इस बात की श्योरिटी दूंगा कि आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें आपके 8 से 10 नंबर का काम यहाँ पर हो जाएगा। हो सकता है कि वो 8 से 10 नंबर डायरेक्ट मेरे करवाए हुए करंट अफेयर के क्वेश्चन हो या फिर उनके साथ जो हम बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं उनमें से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपके करंट अफेयर की क्लास है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा इस 30 मिनट की क्लास की डेली जो हमारी 6 बजे क्लास होती है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, पर उससे पहले आपको मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि सुबह उठते अपना एक लक्ष्य बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि आज आपको पूरा दिन क्या पढ़ना है और अपना पूरा दिन अपनी पूरी एनर्जी अपने उस लक्ष्य को पूरा करने में लगा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे डेली करंट अफेयर और जितने भी आपके जो वन डे एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रास बिहारी बोस जी की डेथ एनिवर्सरी हर साल किस दिन मनाई जाती है? तो किस दिन मनाई जाती है, तो हर साल हम 21 जनवरी को रास बिहारी बोस जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी थे उनकी डेथ एनिवर्सरी या पुण्यतिथि हम हर साल 21 जनवरी को मनाते हैं। 11 जनवरी को हर साल हम लाल बहादुर शास्त्री जी की जो पुण्यतिथि होती है वो मनाते हैं। 11 जनवरी 1966 को इनकी डेथ हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की और 1966 को ही हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को। और 1 नवंबर को ही हम हर साल क्या मनाते हैं, तो हम मनाते हैं विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 नवंबर को। और 17 जनवरी को एक हमारा राज्य है असम, असम राज्य में हर साल 17 जनवरी को शिल्पी दिवस मनाते हैं 17 जनवरी को। तो ये डे आपको याद रखने हैं। इनका जन्म हुआ था 25 मई को और इनकी डेथ हुई थी 1945 है, जापान में इनकी डेथ हो गई थी टोक्यो के अंदर। अब देखिए इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि रास बिहारी जी कौन से स्टेट से संबंध रखते थे। जैसे कि एक बार हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनसे पूछ लिया था कि वो कौन से राज्य के थे, तो वो हमें पता है कि बिहार राज्य के हैं। तो वैसे आपसे भी ये पूछ सकते हैं, अगर जो पेपर लेने वाला है उसका मन किया तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ओके, और इनकी डेथ हुई थी टोक्यो जापान में 21 जनवरी 1945 को, जन्म हुआ था 25 मई 1866 को। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन बन जाएंगे कि भारतीय सामंतीय संघ की स्थापना कब हुई थी, 1937 में हुई थी, किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने की थी। एक तो है रास बिहारी बोस और एक है रास बिहारी घोष, ये दोनों पर्सनैलिटी अलग अलग है, आपको दोनों को मैच नहीं करना। आपने सुना होगा आजाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, अभी आगे आने वाली 23 जनवरी को हम इनसे रिलेटेड कुछ डे सेलिब्रेट करेंगे, जो पिछली बार सरकार ने घोषित किया था कि हर साल 23 जनवरी को हम पराक्रम डे मनाएंगे, ये आपको आगे जनवरी में ये चीज़ें आएगी। तो जो आज़ाद हिंद फौज थी उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसके जो निर्माता थे इस फौज के वो रास बिहारी बोस थे। एक आपने सुना होगा लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, तो उनको मारने की जो योजना बनाई थी, ठीक है, उस समय 1912 की बात है, तो उनका जो लीडर था वो रास बिहारी बोस ही था। एक जो मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, तो उस टाइम भी जो बम बनाया था वो रास बिहारी बोस ने बनाया था। आज तक के जनवरी के जितने भी जो डे हमने डिस्कस किए हैं इस महीने में वो सारे डे हैं। एक बार आपकी छोटी सी मैं रिवीजन करवाता हूं कि 1 जनवरी को हम मनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे, ठीक है, विश्व
परिवार दिवस, 3 जनवरी को फेस्टिवल ऑफ स्लीप डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस और 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे और वर्ल्ड टाइपिंग डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 12 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 11 जनवरी हमने डिस्कस कर लिया, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस या आर्मी डे, 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे और अमेरिका देश में नेशनल नथिंग डे, 17 जनवरी हमने डिस्कस कर लिया, 21 जनवरी आज हमने डिस्कस कर लिया। ऐसे ही अभी मोदी जी ने घोषणा की, जैसे ये है ना नेशनल स्टार्टअप डे, ये 2022 में अभी पहली बार मनाया गया है, वैसे ही आगे से हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, 26 दिसंबर को, 14 नवंबर को होता है बाल दिवस, 20 नवंबर को होता है विश्व बाल दिवस, ये चारों आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत का पहला जलवायु जोखिम और भेद्यता एटलस, एटलस का मतलब होता है एक नक्शा, एक बुक होती है उसमें बहुत सारे नक्शे होते हैं, जैसे कि अगर हम भारत देश की बात करें तो एक तो हमारा फिजिकल मैप होता है जिसमें जो नदी नाले पहाड़ प्लेटू वो चीज़ें हम देखते हैं, एक पॉलिटिकल मैप होता है जिसमें हम राज्य देखते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, तो वैसी एटलस एक बुक होती है जो आपके अपने का देखी होगी, उसमें कई प्रकार के मैप होते हैं, तो उसी प्रकार का एक पहली बार हमारा जो क्लाइमेट है डेंजर उसको लेकर एक एटलस लॉन्च किया है, जो हमारे देश का पहला एटलस है वो किसने लॉन्च किया है, तो किसने किया है, वो किया है IMD। ये क्या है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बाकी चीज़ डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वो कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC के अंदर इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का, टोटल इसमें 189 मेंबर है। वर्ल्ड बैंक कब बना था, तो ये बना था जुलाई 1944 को। अभी हमने कल इसे डिस्कस किया था, इसने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि ये रिपोर्ट किसने जारी किया, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022, ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किए। CACP के अभी नए अध्यक्ष बने थे, कौन, विजय पॉल सिंह। CACP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका फुल फॉर्म होती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है CAPC। इसरो के अभी नए चीफ बने हैं, कौन बने हैं, एस सोमनाथ, पहले कौन थे, तो के सिवन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसरो के नए जो चीफ है वो चेंज हो चुके हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम IMD की, इंडिया मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। देखिए इसकी जो सबसे पहले स्थापना हुई थी वो 1844 में पुणे में हुई थी, ठीक है, लेकिन इसका जो नाम चेंज हुआ था वो 1875 में इसका नाम क्या बना दिया था, मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान, यानी वैसे इसकी स्थापना था आप 1875 में लेकर चलोगे। इसका मुख्यालय अभी नई दिल्ली में है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर में आता है, ठीक है। इसके हमारे देश में अलग अलग 6 जोन में अपने जो इसके जो ऑफिस है वो डिवाइड है, जहाँ पर इनके मौसम विज्ञान केंद्र है, जैसे कि चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, गुवाहाटी कोलकाता मुंबई नागपुर नई दिल्ली और हैदराबाद। हैदराबाद किसकी राजधानी है, तो तेलंगाना की, मुंबई महाराष्ट्र की, नागपुर भी महाराष्ट्र में है, गुवाहाटी असम में है। देखिए स्टार्टिंग में इसका जो मुख्यालय था वो हमें पता है यहाँ पर पुणे में था, लेकिन 1905 में इसका हेडक्वार्टर शिमला में ले गए, फिर 1928 में फिर से पुणे, और लास्ट में ये नई दिल्ली में इसको स्थापित कर दिया।
देखिए यहाँ पर बात चली 1844 की, 1875 की, यानी उस टाइम हमारा देश आज़ाद नहीं था। लेकिन जब आज़ाद होने के बाद जो हमारा जो देश है वो 27 अप्रैल 1949 को, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, देखिए ये क्या है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, यहाँ पर हम भारत की बात कर रहे हैं, वैसे एक पूरे वर्ल्ड के ऊपर भी ऐसा एक डिपार्टमेंट है, उसका जो सदस्य था वो भारत बना था 27 अप्रैल 1949 वही साल है जब हमारा जो एक बैंक है आरबीआई, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो 1935 में बना था पर उसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो ये चीज़ें आपको इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2022, यानी WESO, ये रिपोर्ट है, ये किसने जारी की है, तो किसने जारी की है, ये की है ILO। ये क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन पहले थोड़े से बाकी ऑप्शन डिस्कस करते हैं ताकि आपकी पिछली वाली आपकी रिवीजन होती रहे और साथ में मेरी रिवीजन भी होती रहे। यूनेस्को की जब बात करते हैं तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर है, पेरिस फ्रांस के अंदर है। टोटल इसके 193 सदस्य हैं। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। अभी इसने घोषणा की थी कि भारत के जितने भी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो उनका जो विवरण है ये अपनी खुद की वेबसाइट पर हिंदी भाषा में अपलोड करेगा। कब घोषणा कब की थी, 10 जनवरी को, जो विश्व हिंदी दिवस था उसके मौके पर। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके सदस्य देश 189 है। इसने भी काफ़ी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट का नाम क्या था, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिपोर्ट जारी करता है IMF। इसके भी कुछ ही टाइम पहले इसके जो नए चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो बने थे, कौन बने थे, उनका नाम था प्रिय ओलिवर गोरी चेंज, ये इसके नए मुख्य अर्थशास्त्री या चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे। जब हम बात करते हैं ब्रिक्स की तो ब्रिक्स का एक बैंक है जिसका नाम है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको भी एक नए देश है मिस्र, उसने ज्वाइन किया है, जिसे आप इंग्लिश भाषा में इजिप्ट बोलते हैं, उसने भी मिस्र को ज्वाइन, इसको एनडीबी को ज्वाइन किया है। और एनडीबी ब्रिक्स का बैंक है, ओके, ब्रिक्स एक संगठन है, ग्रुप है, वो आगे हम डिटेल में देखेंगे आज की क्लास में, ठीक है। इससे पहले 3 देश थे, जिसमें पहला देश था बांग्लादेश, फिर दूसरा UAE, दूसरा और तीसरा उरुग्वे, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और चौथा मिस्र। इन चारों देशों ने इसे ज्वाइन किया है, ब्रिक्स के एनडीबी बैंक को। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम ILO के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। हर साल भारत में हम 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, वो 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। एक संधि थी, उसका नाम था वर्साय की संधि। उसके बाद में हमारा जो UN है, यूनाइटेड नेशन, तो उसकी एक एजेंसी, उसका एक पार्ट के रूप में इसने काम करना स्टार्ट किया था। और इसका हेडक्वार्टर एक देश है स्विट्जरलैंड, उसकी जगह है जिनेवा, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारत उसी टाइम इसका एक संस्थापक सदस्य भी था, ओके। और भारत के अंदर जो ILO का जो पहला ऑफिस था वो साल 1928 में ओपन हुआ था। 1969 में इसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जो UN, यूनाइटेड नेशन में जो टोटल 193 सदस्य है उनमें से लगभग 187 इसके मेंबर है। ये इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर, स्थापना 1919 में, 1969 में इसे नोबेल पुरस्कार, भारत इसका संस्थापक सदस्य है, भारत में इसका पहला ऑफिस 1928 में। हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है, तो ये उस महाशय की फोटो है, तो किसे मिला है, तो वो मिला है ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, तो इसे मिला है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार। पहले करते हैं पिछले वाले रिवीजन। राफेल नडाल, ये स्पेन का प्लेयर है, ठीक है,
कहाँ का, स्पेन का। इसने अभी थोड़ी टाइम पहले जो टेनिस मेलबर्न समर सेट टूर्नामेंट है वो जीती है राफेल नडाल ने, ठीक है। इसने जीती है पुरुष वर्ग में, एक महिला वर्ग में जीती है सिमोना हालेफ ने, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक कल मैंने डिस्कस किया था नाओमी ओसाका जो जापान देश की रहने वाली है, ये एक पत्रिका है फोर्ब्स, उसके अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जो प्लेयर है महिला के अंदर, नाओमी ओसाका जो जापान की है। लक्ष्य सेन ये भारत की हैं, इन्होंने अभी हमने शायद आज से दो या तीन दिन पहले डिस्कस किया था जो इंडिया ओपन 2022 का खिताब है वो इसने पहली बार जीता है लक्ष्य सेन ने। अब ये देखिए इसका जो ये जो सेरेमनी हुई थी वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख नामक स्थान पर हुई थी। इसे आपको दो याद रखना है, पुरुष के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है तो वो है रॉबर्ट लेवांडोस्की, ये पोलैंड के हैं, और महिला में एलेक्सिया पुटलेस ये स्पेन की है। स्पेन वही देश है जिससे राफेल नडाल उस देश के हैं। हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया है तो वो किया है रेणु भाटिया को। इंदु मल्होत्रा को अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर एक उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ इश्यू हो गया था तो उस पर एक कमेटी बनी है, तो उस कमेटी को हेड करेगी इंदु मल्होत्रा। हरनाज संधु अभी कुछ टाइम पहले मिस यूनिवर्स बनी है, ये भारत की है। अलका मित्तल कंपनी है ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, ये इसकी बनने वाली पहली महिला CMD है यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर अलका मित्तल। ये जो रेणु भाटिया ये हरियाणा के NIT फरीदाबाद की रहने वाली है और इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1999 को और हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। थोड़ी सी बात करते हैं हरियाणा की, इसकी राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ के CM है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, यहाँ पर विधानसभा की सीट 90 है, लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5, राजकीय भाषा यहाँ की हिंदी है, स्थापना दिवस हम देख चुके हैं, राज्य पशु काला हिरण, राज्य पक्षी काला तितर, राज्य फूल कमल, राज्य वृक्ष पीपल, और ये यहाँ पर इसकी चंडीगढ़ इसकी राजधानी है हरियाणा और पंजाब की जो कॉमन है। और हमने बात की थी अभी रेणु भाटिया की फरीदाबाद, ये रहा फरीदाबाद जिसके ऊपर दिल्ली है, नीचे पलवल और इस साइड यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। टोटल हरियाणा में 22 जिले हैं और ये यहाँ पर इसकी लोकेशन है पूरे भारत के मैप में कि यहाँ पर पड़ता है, ये ऊपर हो गया नॉर्थ और इस साइड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। कुछ ऐसी चीजें जो अभी हरियाणा को लेकर न्यूज में आई थी, जैसे कि गुरुग्राम एक जिला है हरियाणा का जहाँ पर अटल पार्क और स्मृति केंद्र की स्थापना हुई थी, कब, 25 दिसंबर को, जब पूरे देश में हम सुशासन दिवस मनाते हैं। भारत का जो पहला हेली हब है वो गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। भारत का एक यूनिवर्सिटी सॉरी हरियाणा की यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वहाँ का प्रोफेसर है रघुवेंद्र तंवर, इनको ICHR का अध्यक्ष बनाया गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष बने हैं रघुवेंद्र तंवर जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। रूस के भारत में नए राजदूत कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, तो वो बने हैं डेनिस एलिपोव, डेविड बनेट, ये 57 साल के बुजुर्ग है जिनके बॉडी में पहली बार किसी सुअर का जो दिल है वो लगाया गया, ये पहले इंसान बने हैं धरती के जिनकी बॉडी में किसी सुअर का जो हार्ट है वो ट्रांसप्लांट हुआ है। अगर बात करता हूं मैं एरिक गारसेटी की, ठीक है, तो जैसे ये ना मैंने डिस्कस किया कि रूस के भारत में राजदूत बनी है, तो वैसे अमेरिका के भी भारत में कोई राजदूत बना है तो उनका नाम है एरिक गारसेटी। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के राजदूत है,
पहले वहां पर विक्रम मिश्री थे, जिन्हें अब उप जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उन्हें बनाया गया है। पहली भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी आभासी रूप से कौन करेगा? आभासी मतलब वर्चुअल, जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं ना वैसे। तो कौन करेगा? ये फोटो किनकी है? नरेंद्र मोदी की। तो नरेंद्र मोदी इन हमारे देश के प्रधानमंत्री इनकी मेजबानी करेंगे। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का नया अध्यक्ष कौन बना है? AEPC का नया चेयरमैन कौन बना है? तो वो बने हैं नरेंद्र कुमार गोयनका, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें अतुल कश्यप की, तो आपने सुना होगा AIBC, अमेरिका इंडिया बिजनेस काउंसिल, ये इसके अध्यक्ष है। विक्रम देवदत्त को, जो हमारी एयर इंडिया है, एयर इंडिया, ये इसके नए CMD बने हैं, विक्रम देवदत्त। अशोक कुमार को हमारा जो नेशनल स्वच्छ गंगा मिशन है, उनका अध्यक्ष बनाया है अशोक कुमार को। ये जो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है AEPC, इसको हिंदी में बोलते हैं परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम, अब इसका नाम गुरुग्राम है, पहले इसको गुड़गांव बोलते थे। नौवे वुमेन्स नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कौन से राज्य में शुरू हुआ है? तो कौन से राज्य में हुआ है? वो हुआ है हिमाचल प्रदेश में। अगर असम की बात करें, तो असम में एक नेशनल हेल्थ मिशन है जिसका नाम है निरामय, तो ये योजना लॉन्च की है अभी असम ने। इसके अलावा एक फेस्टिवल है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ये भी असम में स्टार्ट हुआ है। असम का जो शिल्पी दिवस है वो हर साल 17 जनवरी को हम मनाते हैं। उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी, यहाँ पर अभी एक क्रिकेटर है जिसका नाम है ऋषभ पंत, उनको इन्होंने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ऋषभ पंत को। ऐसी एक महिला क्रिकेटर जिसका नाम है मिताली राज को, मिताली राज को ऑस्ट्रेलिया देश की एक वाइन आप समझते हो पीने वाली, उसका एक ब्रांड है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जेकब्स क्रिक, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर इसे बनाया है। वैसी एक संस्था है जिसका नाम है ट्राइफेड ने मैरीकॉम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वैसी एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो महिला क्रिकेटर है शेफाली वर्मा, इसी अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया है। मैं बात करूँ ब्रांड एंडोर्सर ना कि एम्बेसडर की। ऐसी एक संस्था जिसका नाम है LLC, लीजेंड्स लीग क्रिकेट, इन्होंने जुलन गोस्वामी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जुलन गोस्वामी को बाबुल भी कहा जाता है। अभी भारत में गुलाबो नाम के 40 साल का जो बालू था सबसे ज्यादा उम्र का, उसका भी निधन हो गया, गुलाबो। एक किसका निधन हुआ था, जो महाराष्ट्र की जो क्या बोलते हैं मदर टेरेसा बोलते थे, सिंधुबाई सपकाल, उनका भी निधन हो गया था अभी, जिन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ था। थोड़ी सी बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, यहाँ के CM है जयराम ठाकुर, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राज्य पक्षी जुजुराना, राज्य पशु बर्फानी तेंदुआ, राज्य फूल गुलाबी पुरुष। टोटल यहाँ पर 12 जिले हैं हिमाचल प्रदेश में। राज्यसभा की 3 सीट है, लोकसभा की 4 है और विधानसभा की 68 है। ये आप 12 जिले यहाँ पर देख सकते हो। ये शिमला इनकी क्या बोलते हैं राजधानी है, और ये मंडी वही स्थान है जहां पर सावरा कड्डू जल विद्युत परियोजना स्टार्ट हुई थी। साल 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीती है तमिलनाडु को हराकर। मंडी में सावरा कड्डू जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया था PM मोदी जी ने। देश का प्रथम LPG युक्त और धुआं मुक्त वाला राज्य वो हिमाचल प्रदेश ही है। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश। भारत के जो 24वें महानिदेशक बने हैं किसके? भारतीय तटरक्षक बल के, वो भी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। ये है VS पठानिया, एक है VK
त्रिपाठी, एक है वीके भावरा, ठीक है। तो वीके त्रिपाठी को ना हमारे जो रेलवे बोर्ड है उसके चेयरमैन बने हैं, वीके भावरा पंजाब के नए डीजीपी बने हैं, तो ये आपको चीजें याद रखनी है। कौन से देश के अध्यक्षता में साल 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक संपन्न हुई, तो किसके अध्यक्षता में, तो वो ही चीन देश के अध्यक्षता में। फिलीपींस की बात करें तो ये देश है रूस, रूस और भारत ने मिलकर एक मिसाइल बनाई जिसका नाम था ब्रह्मोस, तो हम दोनों ने इसे मिलकर बनाया है, भारत और रूस ने, लेकिन इसका हमें जो पहला विदेशी ऑर्डर मिला है वो फिलीपींस से मिला है। फिलीपींस ने अभी बाल विवाह से संबंधित एक कानून बनाया है जिसमें 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो माँ और बाप दोनों को सजा है 12 साल के। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना जैसे अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट चल रहा है, वैसे एक फ्लोरोना नाम का वेरिएंट आया था, वो सबसे पहली बार इजराइल देश में आया था। ओके, चीन ने जो क्या बोलते हैं ग्लोबल रोबोटिक्स हब के लिए पहली बार ऐसा कोई देश है जिसने पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की है, चीन देश ने। अब थोड़ी बात करते हैं ब्रिक्स की, ठीक है। एक हमारा रह गया रूस, रूस के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें करते हैं जो अभी न्यूज में आई थी रूस को लेकर। क्या एक न्यूज में आया था अंगारा A5 रॉकेट, ये रूस देश से संबंधित है। एक प्लेयर है उसका नाम है असलान कसरतेव, असलान कसरतेव ने जो सिडनी क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट है 2022 वो इसने जीती है, असलान कसरतेव ने, जो कि रूस के प्लेयर है। ओके, इसके अलावा एक दुनिया का जो सबसे भारी सुपरसोनिक जो लड़ाकू विमान है जिसका नाम है वाइट स्वान TU-160M, ये रूस ने बनाया है और यहीं से इसने पहली अपनी उड़ान भरी है, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है रूस से। अब बात करते हैं ब्रिक्स की, ठीक है। ब्रिक्स में 5 देश है, ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ओके, इसका गठन 2009 में हुआ था, उस समय इसमें ब्राज़ील था, रूस था, भारत था, चीन था, यानी कुल मिलाकर उस टाइम इसे ब्रिक कहा जाता था, लेकिन 2010 में जैसे इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। इसका पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था, उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो उन्होंने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया था। 2014 में ब्रिक्स ने अपने 2 नए बैंक बनाए, वित्तीय बैंक, फाइनेंशियल बैंक, एक का नाम था NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और दूसरा था आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। तो NDB के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, पर इसने काम करना 2015 में शुरू किया था। इसमें टोटल 4 महाद्वीप इसमें आते हैं, ये देखिए, जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इसमें 4 आते हैं। यूरोप से इसमें ब्राज़ील आता, सॉरी क्या नाम है, रशिया आता है इस साइड, क्यों रशिया अपने जो एशिया और जो यूरोप दोनों में आता है, ब्राज़ील यहाँ से आ गया साउथ अमेरिका से, और ये नीचे अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका। इसमें टोटल 4 महाद्वीप आते हैं, और टोटल जितना क्षेत्रफल है पूरी धरती का उसका 27% क्षेत्रफल ये घेरते हैं, और दुनिया के टोटल जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 30% हिस्सेदारी ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर आती है, मतलब टोटल 5 देशों में पूरे दुनिया की 30% GDP इसमें कवर होती है। तो ये थे हमारे 21 जनवरी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और फैक्चुअल डाटा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए या आप रिविजन करना चाहते हैं तो आप हमारा ब्लॉग है www.examfastcredit.com, जो आपको ऐसा कुछ दिखेगा उसका लुक, उसको आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो कल मिलते हैं ठीक 6 बजे, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, जय हिंद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।